नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, उधम सिंह नगर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने जा रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उधम सिंह नगर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और नारी शक्ति बंधन महोत्सव में किया है प्रतिभाग। कार्यक्रम में लगे स्टॉल का निरीक्षण वहां पे सीएम के द्वारा किया गया है। महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। तो नारी शक्ति बंधन महोत्सव में किया है प्रतिभाग मुख्यमंत्री ने, और उधम सिंह नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बता दें कि वहां पे नारी शक्ति को संबोधित भी किया उन्होंने और बताया किस तरीके से नारी हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है। तो नारी शक्ति वंदन महोत्सव में किया है प्रतिभाग। कार्यक्रम में लगे स्टॉलों का निरीक्षण भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो उत्तम सिंह नगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नारी शक्ति वंदन महोत्सव में हुए शामिल। महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि किस तरीके से नारी बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, हिस्सा ले रही है और धीरे धीरे देश को आगे विकास की राह पर ले जा रही है। तो नारी शक्ति वंदन महोत्सव में प्रतिभाग किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और कार्यक्रम में स्टॉल जो लगे हुए थे उनका निरीक्षण भी वहां पे किया गया है। उधम सिंह नगर के दौरे पर सूबे के मुखिया है, कार्यक्रम में स्टॉल जो लगे थे वहां पे निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है और महिलाओं को, नारियों को संबोधित किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उधम सिंह नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया है, हिस्सा लिया है और महिलाओं को भी संबोधित किया है, बताया है कि क्या महत्वता नारी की हर किसी के जीवन में है, योगदान किस तरीके से हर एक क्षेत्र में नारी निभा रही है, इसके बारे में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और उधम सिंह नगर के दौरे पर सूबे के मुखिया इस वक्त है। तो नारी शक्ति वंदन महोत्सव में प्रतिभाग सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है, और बता दें आपको कि उधम सिंह नगर के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन दिया प्रतिभाग में और किस तरीके से नारी का योगदान है हर एक क्षेत्र में और किस तरीके से देश को विकास की तरफ ले जा रही है, ये जानकारी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। और अपना संबोधन देते हुए उन्होंने नारियों के उपलब्धि के बारे में भी बताया है। तो कार्यक्रम में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। मुख्यमंत्री का दौरा काफी अहम, स्टॉल जो लगे हुए थे उनका निरीक्षण भी किया है मुख्यमंत्री ने। जानकारी अहम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे और संबोधन भी अपना उन्होंने दिया। महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही और इसी के साथ बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया महिलाओं ने। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उधम सिंह नगर, वहां पे जो स्टॉल्स लगे थे वहां का निरीक्षण भी सीएम धामी ने किया है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही है इस दौरे से जुड़ी हुई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उठा खान के साथ पूरे देश में इन दिनों राम की धूम मची हुई है और राम के भक्तिमय माहौल को लेकर बीजेपी विपक्षी दल कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला की माने तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोर्ट में राम का अस्तित्व ना होने का एफिडेविट दे चुकी है, लेकिन पूरा देश, पूरे सनातनी हिंदू इस समय राम के इस भव्य आयोजन को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष बौखला चुकी है और अनगल बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस पार्टी है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोर्ट में जाकर के एफिडेविट देती हैं और कहती हैं कि राम हुए नहीं, आज इस प्रकार की बातें कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश का हर सनातनी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पूरे सनातनी, राम की हमारे जीवन में क्या महत्ता है,
राम की हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान है, राम हमारे आराध्य देव हैं, तो इस प्रकार की बातें बड़ी हास्यास्पद लगती है कांग्रेस। और बता दें मकर संक्रांति से शुरू होगा राम मंदिर के कार्यक्रम, 14 से 22 जनवरी तक रहेगी कार्यक्रम की गूंज। संस्कृत और धर्मसव सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने दिए हैं आदेश, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल आयुक्त को मिले हैं आदेश। तो मकर संक्रांति की धूप रहने जा रही है और 14 से 22 जनवरी तक रहेगी मकर संक्रांति की धूम। संस्कृत और धर्मसव सचिव हरिचंद्र सोमवाल ने आदेश दिए हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल आयुक्त को मिले हैं आदेश। महिला और युवक मंगल दल निकालेगी कलश यात्रा, मुख्य स्थानों पर चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान, मंदिरों व घाटों पर होगा दीपोत्सव और आरती, रामचरितमानस का पाठ भजन कीर्तन का होगा आयोजन। तो बता दें कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल आयुक्त को मिले हैं आदेश, महिला और युवक मंगल दल निकालेगी कलश यात्रा और इसी के साथ मकर संक्रांति से शुरू होगा राम मंदिर का ये भव्य कार्यक्रम। तो मुख्य स्थानों पर चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान और ऐसे में बता दें कि धूम जो है वो 14 तारीख से ही देखने को मिल जाएगी, मंदिरों व घाटों पर होगा दीप उत्सव और आरती, रामचरितमानस का पाठ भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया है। तो 14 तारीख से 22 जनवरी तक ये धूम रहने जा रही है, गूंज जो है वो काफी ज्यादा सुनाई देगी और बता दें कि हर कोई बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। संस्कृत और धर्म सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने इसकी जानकारी दी है, आदेश उन्होंने दिए हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को उन्होंने आदेश दिए हैं कि इस तरीके से ये जो पूरा उत्सव है उसको राममय बनाना है। और उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में पूर्व एचआरडी मिनिस्टर रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अब समय आ गया है कि देश को हिंदी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके संकेत दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक ने कहा है कि संविधान की अनुसूची 8 में जिन 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है उनमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, इसलिए अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती है, जबकि ये हिंदू राष्ट्रभाषा है और यहाँ पर हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इसके साथ जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा तो राज्य अपनी प्रादेशिक भाषाओं को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इज़राइल स्वाधीन हुआ और इज़राइल की जो समिति थी उसने अपने राष्ट्रपति के सामने जब अनुशंसा की कि 3 वर्षों में हम अपनी जो हिब्रू जो खत्म हो गई थी बिल्कुल समाप्त हो गई थी कि उसको हम लागू कर देंगे, तो वहां के राष्ट्रपति ने उस मीटिंग में बोला कि 3 वर्ष का ये अंतिम दिन है, एक दिन भी हम गुलामी के चिन्ह को ढो नहीं सकते। तो मुझे लगता है उनकी जो इच्छा शक्ति थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि गुलामी के चिन्हों को हट जाना चाहिए, बहुत सारे चिन्ह हट गए हैं, अब अंग्रेजी की बारी है, अंग्रेजी देश की भाषा नहीं है, जो संविधान के अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी नहीं, तो हमारे देश की भाषा है ही नहीं, तो हिंदी की प्रतिस्पर्धा अपनी भारतीय भाषाओं से नहीं है, हिंदी की प्रतिस्पर्धा अंग्रेजी से है और अंग्रेजी क्योंकि गुलामी का चिन्ह है उसको हटना चाहिए। देहरादून से बड़ी खबर है, उधम सिंह नगर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, नारी शक्ति वंदन महोत्सव में किया है प्रतिभाग, कार्यक्रम में लगे स्टॉल का किया है निरीक्षण, महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं रही हैं मौजूद। तो उधम सिंह नगर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, इस महोत्सव में शिरकत की है और आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का कहना था कि नारी शक्ति हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, अपना योगदान दे रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया है, बता दें नारी वंदन कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने किया है और महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं भी इस दौरान मौजूद रही। तो उधम सिंह नगर के दौरे पर सूबे के मुखिया, महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही, कार्यक्रम में लगे स्टॉलों का भी निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। उधम सिंह नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और नारी शक्ति
बंधन महोत्सव में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इस दौरान उन्होंने निरीक्षण भी किया स्टॉल्स का। अभी कैंतुरा देहरादून से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी इस कार्यक्रम में शिरकत किया मुख्यमंत्री ने, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर योगदान दे रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का युद्ध का दौरा रहा था, जिसमें ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पर जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की, और राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी जो सरकार है उनकी तरफ से लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि महिलाएं सशक्त बन सके। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं राज्य में संचालित की जा रही है। कोशिश यही राज्य सरकार की कि उत्तराखंड की जो रीढ़ कही जाती है, जो महिलाएं रीढ़ कही जाती है, उन महिलाओं को आर्थिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से यहाँ पर मजबूत बनाया जा सके, उसके लिए सरकार लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यही संदेश देने का काम वहां पर किया गया कि जो सरकार है वो सरकार आम जन के साथ में है, जनता की जो समस्याएं उन समस्याओं का निराकरण सरकार प्राथमिकता का आधार पर कर रही है। अधिकारियों को लगातार जनता के साथ संवाद करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, और ताकि जो जनता की जो समस्याएं उनकी समस्याओं के साथ साथ जो विकास के जो काम है वो भी गति से हो सके, जो सरकार की तरफ से योजनाएं विकास के लिए संचालित की जा रही है उन योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंच सके। तो कोशिश सरकार की यही है, और इसके सकारात्मक परिणाम भी उत्तराखंड में दिखने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित करा उस लक्ष्य के करीब सरकार लगातार पहुंच रही है। जी, तो अभी भी उधम सिंह नगर में ही है सीएम पुष्कर सिंह धामी, आगे कितनी देर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, क्या अपडेट है इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ अभी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यक्रम है जिसमें अभी जो कार्यक्रम है उसके बाद एक रोड शो भी वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का होगा, जनता उनका अभिनंदन वहाँ पर करेगी, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से क्षेत्र के विकास के लिए, जनपद के विकास के लिए जो योजनाएं उन योजनाओं को संचालित करने का काम किया जा रहा है। और उसके बाद यदि दोपहर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून के लिए वहां से रवाना होंगे, तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगभग ये 4 घंटे का कार्यक्रम उधम सिंह नगर जनपद का है, जिसमें उनके द्वारा जनता से संवाद करना या विकास की योजना उन योजनाओं की समीक्षा करने का कार्यक्रम है, और जनता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक आश्वासन और भरोसा भी यहाँ पर दिया जाएगा कि जो राज्य सरकार है वो आम जनता के साथ है, आम जनता की जो विकास की जो योजना या जो अपेक्षा है उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये महोत्सव में शिरकत किया, और इस तरीके के जब किसी सूबे के मुखिया का जब मोटिवेशन दिखता है तब और भी ज़्यादा उत्साहित खासतौर पर महिलाएं नजर आती है, ताकि इस काम को वो आगे भी बढ़ चढ़ कर सके। अभय, इस रूप में भी समझ सकते हैं कि राज्य में उत्तराखंड की जो महिलाएं वो लगातार हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भागीदारी यहाँ पर कर रही है, और उत्तराखंड में जिस प्रकार से महिलाओं के लिए काम धामी सरकार कर रही है वैसे में महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही है। और अब तो चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लगातार अब जो महिलाएं और उत्साहित नजर आ रही है, अब एक जो सरकार की कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें महिलाएं जिस प्रकार से भागीदारी करती है तो उससे ये समझा जा सकता है कि महिलाएं उन योजनाओं का लाभ जानना उठाना चाहती है, उन योजनाओं को जानना चाहते हैं जिससे विकास हो सकता है, महिलाएं सशक्त बन सकती है, और महिलाओं के सम्मान की जो बात हमें सरकार करती है उसमें क्या कुछ आगे निरंतर काम सरकार की तरफ से किया जाना उसको लेकर जानने के लिए हमेशा महिलाएं उत्सुक रहती है। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड युवा राज्य है, उत्तराखंड युवा राज्यों में ये समझे जो युवा है वो उस चीज के लिए आतुर यहाँ पर नजर आते हैं कि उनके लिए किस प्रकार से बातचीत होती है, चाहे वो विकास को लेकर हो या दूसरे क्रम में हो, उसमें सब लोग उत्साहित नजर आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो सरल व्यक्तित्व है, जो सरल व्यक्तित्व में जिस प्रकार से उसको जाना जाता है, तो ऐसे में हर लोग उससे मिलने के लिए आतुर दिखता है। यही वजह है कि जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपदों से प्रवास कार्यक्रम पर होते हैं लोग उनके इस कार्यक्रमों में आने के लिए बढ़कर भागीदारी करते हैं। रोड शो भी होने वाला था, क्या हो चुका है, अभी होना बाकी है मुख्यमंत्री का? जी बिल्कुल, आप से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो यहाँ पर शुरू होगा, जिसमें उनके रोड शो में जो सरकार की विभिन्न योजना है उन योजनाओं के स्थल भी वहाँ पर होंगे, जानकारी देने का काम भी होगा। साथ ही जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस समय वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और मुख्यमंत्री की तरफ से इस रोड शो में जनता को आश्वस्त करने का काम किया जाएगा कि जो आने वाला जो समय है वो समय उत्तराखंड का है, जिसकी उससे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, ऐसे में जनता उनके साथ खड़ी रहे, जनता का भरोसा पूरा जीतने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा, और आश्वासन दिया जाएगा कि जो सरकार की जो योजनाएं वो योजनाएं जनता के विकास के लिए है, जनता के विकास के लिए सरकार दिन रात प्रयासरत है, कटिबद्ध है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और खबर ऋषिकेश से है। बीते दिन चिला मार्ग में हुई सड़क दुर्घटना में घायलों का हाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल एम्स ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जानते हुए डॉक्टरों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीते सोमवार को राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की चिला रेंज में पार्क प्रशासन का एक इंस्पेक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिनमें पार्क प्रशासन के दो अधिकारियों सहित कुल चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और प्रदेश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता को न्याय दिलवाने को लेकर कांग्रेस द्वारा आगामी 14, 15 और 16 जनवरी को प्रदेश के सभी जनपदों और ब्लॉकों में न्याय यात्रा निकाले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि जनपद पौड़ी में भी इसी के मद्देनजर सभी 15 ब्लॉकों में अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए कांग्रेस द्वारा न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने बताया कि कांग्रेस द्वारा लगातार अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर कांग्रेस द्वारा जनपद पौड़ी में भी 14, 15 व 16 जनवरी को जनपद के सभी ब्लॉकों में न्याय यात्रा निकालने की तैयारी तेज कर दी गई है। और अगर आप मैट्रिमोनियल साइट से अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। मैट्रिमोनियल साइट में लड़की की फेक आईडी बनाकर कोटद्वार के युवक को शादी का झांसा देकर 3,30,000 की ठगी करने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया है। पर्दाफाश करते हुए बता दें कि खूनी बड़ निवासी रघुवीर सिंह नेगी ने पुलिस को जब शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया था कि वो मैट्रिमोनियल साइट पर शादी के लिए रिश्ता खोज रहा था, इसी दौरान उसे महिला के नाम से बनी एक आईडी से मैसेज आया। साथ ही उसने बताया कि महिला ने मिलने की बात कही, फिर एयरपोर्ट में विदेशी करेंसी को इंडियन करेंसी में बदलने के नाम पर उससे 3,30,000 रुपये ठग लिए, जिसके बाद पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक नाइजीरियन व्यक्ति समेत दो महिलाएं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ₹2022 में कि एक फेक वेबसाइट बनाई गई है, जिस पे उन्हें एक मैट्रिमोनियल साइट पे फेक आईडी बनाई गई थी, जिसके हिसाब से एक रिक्वेस्ट भेजी गई। और जब रिक्वेस्ट भेजी गई तो आगे का प्रोसेस चला, तो उन्होंने फिर कहा कि मतलब एयरपोर्ट पे उन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जिसके लिए उन्होंने थोड़े पैसों की मांग की, जिसके झांसे में आकर उन्होंने उनके अकाउंट में लगभग 30,30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इसमें काफ़ी दिन से विवेचना प्रचलित थी, क्योंकि जो गैंग था वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय गैंग था, जिसमें एक नाइजीरियन भी इन्वॉल्व थे, तो इसमें काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड विवेचना थी। तो इसमें काफ़ी बार हमारी टीम ने पहले प्रयास की, टीम प्रयासरत थी, और इसमें जो हमारी एसएसपी मैम है और एडिशनल एसपी मैम है, उनका भी लगातार हमें दिशा निर्देश मिलते रहते थे। तो इसमें हमें बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हमने एक नाइजीरियन को और साथ में उनके 3 टीम मेंबर को भी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। शादी का झांसा देकर 3,30,000 की ठगी की गई है। मैट्रिमोनियल साइट से ये पूरा मामला निकल के सामने आया है। पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। नाजीरन एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, उनके साथ दो और शख्स थे जो कि झांसा देने में शामिल थे। बता दें शादी का झांसा देकर 3,00,000 की ठगी की गई है। मैट्रिमोनियल से रिश्ता ढूंढने वाले अब सावधान हो जाए। खबर कोटद्वार से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को कोटद्वार के हल्लू खता में रहने वाले बौक्सा जनजाति के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम की सूचना मिलने के बाद से प्रशासन की ओर से बौक्सा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शिविर कैंप लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कैंप में तमाम विभागों के साथ ही नगर निगम और तहसील प्रशासन भी मौजूद है। बौक्सा जनजातीय लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। कैंप्स में सबसे
सबसे ज्यादा लोग समाज कल्याण की पेंशन संबंधित कार्यों और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जनजातीय क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं शिविर, लोगों को दिया जा रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। और बता दें कि बक्सर जनजाति के लाभार्थियों से वर्चुअल कर संवाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 15 जनवरी को वर्चुअल उनसे बातचीत होगी। जनजातीय क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं शिविर और लोगों को लाभ इसका मिल रहा है। कोटद्वार में बक्सर जनजाति के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद जो है वो देश के मुखिया करने वाले हैं। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। देखिए जी, आपने यहाँ पर शिविर लगा हुआ है, तमाम विभाग आ रखे हैं हमारे क्षेत्र में, तो लोगों को तो काफी सुविधाएं मिल रही हैं। घर बैठे उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, समाज कल्याण वाले आ रखे हैं जिससे पेंशन का लाभ मिलेगा इनको, और आवास योजना वाले भी आ रखे हैं। नगर निगम का पूरा विभाग है जिससे काफी सहायता मिलेगी हमारे एसटी निवासियों को यहाँ के। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस भेजने के बाद कहा है कि पार्टी में जरूरत अनुशासन की होती है और जो अनुशासन तोड़ेगा उसको पार्टी लाइन पर वापस आने के लिए पार्टी की रीति नीति से गुजरना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल पार्टी अभी पूर्व विधायक के जवाब का इंतजार कर रही है। जवाब आने दीजिए और नोटिस इसलिए दिए जाते हैं कि संस्कारों में व्यक्ति काम करे। पार्टी के जो एक प्रकार से अनुशासन के दायरे होते हैं उसमें हम सब कार्यकर्ता बंधे हुए हैं। दायरे से बाहर कोई व्यक्ति जाता है, कई बार भूलवश चला जाता है, उसको भी वो सब विषय बताने की आवश्यकता रहती है। और हमने नोटिस भेजा, मुझे पूरी उम्मीद है कि यथासंभव होगा। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।